आज का अपना जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो नसरुद्दीन के द्वारा पूछा गया है। विनायक नर्सिंग एकेडमी के स्टूडेंट है जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि एक पेशेंट जो कि एडमिटेड है और डायग्नोज्ड है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के द्वारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। तो इनमें से कौन सा प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन है, इसका इन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा था जिसमें थोड़ा क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने क्वेश्चन को टाइप यहाँ पे कर लिया है। तो चार ऑप्शन अपने पास में कि 50% डेक्सट्रोज इंट्रावीनस दिया जाएगा, दूसरा इंसुलिन इन्फ्यूजन किया जाएगा, तीसरा एडमिनिस्टर सोडियम बाइकार्बोनेट, और फोर्थ ईयर इनिशिएट फ्लूड रिप्लेसमेंट विद नॉर्मल स्लाइड। नॉर्मल स्लाइड के साथ में जो है फ्लूड रिप्लेसमेंट किया जाएगा। तो क्या है यहाँ पे जो कि प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन है। अगेन जब भी प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन की बात आती है तो मैं कहता हूँ कि नॉर्सेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, नॉर्सेट डीएसएसबी वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अपन आंसर देखेंगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि विनायक नर्सिंग एकेडमी की ऐप को एक बार डाउनलोड करके डेमो लेक्चर जरूर देखिएगा, वहां पे आपको काफी सारा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज जो है मिलने वाली है। केवल 1499 रुपए में कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले अपन को समझना जरूरी है कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस क्या है। इट मीन्स एक पर्सन अगर डायबिटिक है और वो डायबिटिक पर्सन अगर स्टार्वेशन पे रहता है, लॉन्ग समय तक अगर स्टार्वेशन पे रहता है, भूखा रहता है या फिर कार्बोहाइड्रेट नहीं लेता है, उस केस में बॉडी क्या करेगी कि अपनी फैट के द्वारा जो है फैट का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट कर देगी और बॉडी में कीटोन्स का लेवल बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, कीटोन्स का लेवल बढ़ेगा और फैट के मेटाबॉलिज्म से ग्लूकोज तो बढ़ेगा, लेकिन कीटोन्स बढ़ने की वजह से एसिडिक कंडीशन, ब्लड का पीएच जो कि 7.35 से 7.45 नॉर्मल होता है, वो क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा, जिसे अपन बोलते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कुसमोल रेस्पिरेशन, आपने पढ़ा भी होगा, किया भी होगा। तो कुसमोल रेस्पिरेशन है वो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में देखने को मिलता है, एंड इट इज द एग्जाम्पल ऑफ मेटाबोलिक एसिडोसिस। ठीक है, और एसिड बेस इम्बेलेंस में पूरा डिटेल से मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के वीडियोज के अंदर, आप जाकर के देखेगा, दो लेक्चर में है पूरा का पूरा, बहुत ही डिटेल से वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया, एक भी कॉन्सेप्ट आपका अधूरा नहीं रहेगा अगर आपने वो दो वीडियो जो है देख लिए। चलेगा, आगे बात करेंगे। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस आपको समझ में आ गया। अगर किसी पर्सन को ऐसी कंडीशन हो गई है तो ऑप्शन देखते हैं। पहला, एडमिनिस्टर 50% डेक्सट्रोज। तो डेक्सट्रोज एडमिनिस्टर नहीं कर सकते क्योंकि पर्सन पहले ही डायबिटिक है, इतना सारा डेक्सट्रोज नहीं दे सकते, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। इसकी वजह से तो पर्सन और ज्यादा हाइपरग्लाइसेमिक हो जाएगा, हाइपरग्लाइसेमिक हो जाएगा। ये तो जब दिया जाता है जब पर्सन हाइपोग्लाइसेमिया, ये क्वेश्चन भी आता है कि एक पर्सन है डायबिटिक का, वो हाइपोग्लाइसेमिया में चला गया है, तो ये यहाँ पे आंसर होता है, बट अभी के लिए आंसर नहीं है। दूसरा, स्टार्ट एन इंसुलिन थेरेपी, ये सही है, ये सही है, अभी और पढ़ेंगे अपन, सही है बट आंसर नहीं है, स्टिल ये आंसर नहीं है। क्यों सही है, क्योंकि ये सेकेंड प्रायोरिटी है। ये क्या है डियर, सेकेंड प्रायोरिटी है, वो भी बताऊंगा आगे। तीसरा, एडमिनिस्टर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी देते हैं, बट ये भी क्या है, ये दिया जाता है बहुत ज्यादा एसिडोसिस होने में, अगर ब्लड का पीएच लेस देन 6.5 या 6.6 हो जाए, उस केस में जो है सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं, अदरवाइज सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं देते। बाइकार्बोनेट है इस वजह से ये एसिडोसिस को रिवर्स कर सकता है, बट सीवियर केस में ही देंगे, बाकी अदर केसेस में नहीं देंगे। सबसे लास्ट आते हैं, फ्लूड रिप्लेसमेंट दिया जाएगा क्योंकि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में देखने को मिलता है पर्सन डिहाइड्रेशन में चला जाता है, और डिहाइड्रेशन को रिवर्स करना डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। तो ये क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी है। काफी अच्छा क्वेश्चन भेजा नसरुद्दीन ने। तो नसरुद्दीन, यस, तो अपनी हाईएस्ट और फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है यहाँ पे, फ्लूड रिप्लेसमेंट करना ताकि डिहाइड्रेशन को रिवर्स किया जा सके, और सेकेंड प्रायोरिटी हो जाएगी इंसुलिन दे करके जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज लेवल है उसको वापस से नॉर्मलाइज किया जा सके। तो यस, तो इसके द्वारा, और फ्लूड रिप्लेसमेंट से क्या होगा, कीटोन का लेवल है वो भी डायल्यूट होगा, यस और नो, और डायल्यूट होगा तो जो एसिडोसिस है वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज होगा। तो हमेशा डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में फर्स्ट प्रायोरिटी फ्लूड रिप्लेसमेंट, सेकेंड इंसुलिन अपन दे सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट ओनली कब देना है, जब ब्लड का पीएच काफी कम हो जाए। ये सुनो, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से विनायक नर्सिंग एकेडमी की ऐप को डाउनलोड एक बार जरूर करिए और अपने डेमो लेक्चर्स देख लीजिए। ऑल द बेस्ट।